ये काम ऐसे ही हैं इनके, कहीं बिजार छोड़ रखे, नुकसान बहुत हो रहा किसानों का। ठंड तो यही है, बेरोजगारी हो रही, ये सांड फिर है। अच्छा, किसी की सुनवाई नहीं है कहीं भी, कुछ नहीं करा भाजपा ने, कुछ नहीं करा, चोर बज रहे, कुछ नहीं करा। लड़ी हुआ कि भाजपा सरकार ये कहती है कि सबको रोजगार मिलेगा, इन्होंने बहुत बड़ा रोजगार दिया हमें, दिन में तो हम छोल रहे गन्ना, गन्ने की छिलाई कर रहा है, रात को ये बिजार भगा हुआ खेतों के, तो 24 घंटे में बहुत काम दे रखा है इस सरकार ने। ये जो बीजेपी वाले हैंगे, ये अपनी अंग्रेजों की ढाल अपनी वाह चला रखी इन्होंने, किसानों का मजदूरों का कोई ध्यान नहीं ना। गन्ने के भाव का है, बिजारों का है, बहुत चीज है भाई, पेमिट का भी है, लोग मतलब हमारी मिल का हो रहा, और मिलों का नहीं हो रहा भाई, इन बिचारों की समस्या जी, और तो कोई समस्या है नहीं। यहाँ मुजफ्फरनगर के गांव सौटा के ग्रामीणों में बीजेपी के खिलाफ रोष है और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अग्निवीर भर्ती से बच्चों का भविष्य खराब किया है। ग्रामीणों का मत है कि सरकार अदलती बदलती रहनी चाहिए और सरकार को बने हुए केंद्र में 10 साल का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक वादे पूरे नहीं हुए हैं। लोग गन्ने पे पैसे बहुत बढ़ाए, इन्हें बाजार सब बंद करवा दिए, ये तो अन्याय जगह बुराई कर रही है, बहुत बड़ी सरकार है भाई। हाँ, बाजार इस तरह बंद करवाते रहेगी, अब ठीक रहेगा, जिस खेत में जाना उसे खत्म कर दें। हेलो भाई, बढ़िया काम कर रही है आज, ठंडा पूरा गन्ने का भाव बहुत बढ़िया बढ़ा दिया। अच्छा, बाजार सब बंद करवा दिए इसने। उठा भाई, छोटा पड़ गया इसने। हाँ भाई, आय दोगुनी हो गई। नहीं हाँ, डबल क्या, तीगनी आय, डबल तीगनी हो रही भाई। हाँ, डबल 2 करोड़ रोजगार मिल रहे। हाँ, खूब रोजगार, खूब मिल रहे, हर एक घर में हर एक बच्चा नौकरी बजा लिया। गांव में कितने बच्चे बेरोजगार, सब नौकरी बजा लिए, सब हरा सब बेरोजगारी खत्म। हाँ, बेरोजगारी खत्म है, सब बच्चे नौकरी पे भाई, बदमाशी बिल्कुल नहीं। मारे यहाँ के सुनवार के पैसे खोस लिए बेचारे के, जेवर अभी तक अभी कोई नहीं मिला, ना पकड़े गए, पकड़े भी नहीं गए। हाँ, पूरा प्रभाव पड़ेगा। ये काम ऐसे ही है इनके, कहीं बिजार छोड़ रखे, नुकसान बहुत हो रहा किसानों का। अच्छा भाई, रोजगारी नहीं है, सब यही धंधा चल रहा है, झूठ बोलते हैं ये लोग, नाराजगी रहेगी, पूरी नाराजगी रहेगी। हम लोक दल के आदमी हैं, लोक दल को वोट देते हैं हमेशा ही, पहले से ही लोक दल को वोट दे रहे, जब लोग जीवेंगे वो लोक दल को ही वोट देंगे। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? इसमें सारा पड़ेगा भाई। क्या कारण मानते हैं? कारण तो यही है, बेरोजगारी हो रही, ये सांड फिर है। अच्छा, किसी की सुनवाई नहीं है कहीं भी, बच्चे जिनकी डॉक्टरी बोली, स्पेस सब बोली, उन्हें ले नहीं रहे, नियुक्ति नहीं कर रहे, यही विचार इनका। महिलाओं को कह रहे भाई, महिलाओं को वो सुरक्षा देंगे, रोजाना सारे बलात्कार में हो रही, सुरक्षा कहीं दे रहे, अपनी तो है इनकी। हाँ, सारा बढ़ रहा, सब बढ़ रहा, कोई कुछ। अच्छा जी, अगर सरकार इन समस्याओं का समाधान कर देती है, आवारा हम लोग तो हुए नहीं, नहीं दो योजना अब तो हुए नहीं, अब क्या कर देंगे? है तो सरकार के हाथ में करना, नहीं सरकार के हाथ में है कहाँ, मैं बंद करे रात को खोल दे, एक ही जगह 10 खोल दे, 800 बीघे में गौशाला बनाई जा रही मंत्री जी, नहीं बनाई जा रही, पर वे तो रात खोल दे, उनका क्या सारा, जब उन्हें घास देते कुछ नहीं, पैसे ले ले अपना, मैं बेचारे फिर है भूख के पैसे, इसमें गौशाला वाले ही दोषी है। हाँ, इन्होंने बढ़ा दिया, पैसा ले, खाना देना कुछ नहीं देते इन्हें, बस पैसा ले जा अपना, खोल दे रात को, सब नष्ट कर दी जितनी फसल ला रही, क्या बोले कुछ भी, गेहूँ नहीं होने दे रहे, और जिन सोचती नहीं, गेहूँ भी नहीं होने दे रहे, गन्ना है इसका पता नहीं लगता, इसे भी खा रहे, नाराज रहे, नाराज इतने में होने लग रहे, कभी मरे इतने जवान, जितने मर रहे हैं, बस एक बार कह दे भाई, ये बिजार फिर रहे भाई, ये सारे गेहूँ खा दिए, और लोक दल के आदमी है भाई, बस लोक दल के, लोक दल को वोट देते आ रहे हम भाई, इस बारे में ये करना चाहते हैं बस, बस भाई, भाजपा हमारा काम नहीं करती, क्या करें, क्या काम नहीं हुआ आपके, कुछ नहीं करा भाजपा ने, कुछ नहीं करा, चोर बज रहे, कुछ नहीं करा।
ये बिजार फिर रहे, इनके बारे में कोई सोच रहा? बिजार लुगाई मार गिर, बिजार में टक्का मार 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 कर सब सब मार गिर, कोई अरे दो लुगाई एक लुगाई मार गिरी, हाँ अंडा पाए में पानी भरा, इसके बाद कोई सोच रहा? कोई कोई बता, कोई नहीं सोचा इस बारे के? इस बार हाँ कल था, परसों बाल्टी लेकर कोई नहीं गया, कोई नहीं गया बाल्टी लेकर भाई, निकलना नहीं पानी अभी तक नहीं, अभी इतना इतना पानी है। हाँ जी बस भाई नाराजगी रहेगी। हाँ देखो इसका प्रभाव तो आपको ही लग रहा होगा, यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें थी। बैठ जाओ आप इधर, इधर बैठ के बात करो आप, कोई बात नहीं। यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें थी और 6 की 6 में 5 गठबंधन को गई, आहिस्ता आहिस्ता चली गई, अभी चुनाव में चली गई। इसका मेजर कारण जो है, जहाँ भी भाजपा की नीति थी, ये बोलते थे कि हम दुगनी आय कर देंगे, रोजगार देंगे, दंगा मुक्त करा देंगे। ठीक है, दंगा मुक्ति उन्होंने कराया है, जैसे भी कराया है, पर सबसे बड़ी समस्या देखो, आजकल के युवा को रोजगार की बहुत सख्त जरूरत है, आम आदमी है, खर्चे चलने बहुत भारी हो रहे हैं। और देखो एक किसानी बेल्ट है, सब छोटे छोटे किसान हैं। सपोज करो कि किसी ने 3 या 4 बीघे छोटे किसान ने गेहूँ बोया है, उसमें बिजार घूम जाएगा तो पूरी, देखो जो गेहूँ की फसल होती है ये जानवर की भी और आदमी की 1 साल की फसल होती है, उसको स्टोर किया जाता है, 1 साल तक पशु भी खाता है और आदमी भी खाता है, और वही नष्ट हो जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या है। इन्होंने बहुत बताया कि हम आवारा जो गोवंश हैं उनका वो खोल लेंगे, हमारे यहाँ नावला में खुली थी गौशाला, खुली थी नावला में, आप उसकी जाके आप उसकी भी आप रिपोर्ट करो, देखो उसे जाके वहाँ पे कितना गोवंश है। वही लोग पकड़ते हैं, वही लोग सुबह छोड़ देते हैं, उनके चारे की व्यवस्था नहीं है। जो वहाँ पे डिपार्टमेंट है या वहाँ पे कर्मचारी है वो कहाँ तक देख कर गलते हैं, ना वहाँ पे कोई चारा है ना कुछ है। सबसे बड़ी समस्या किसान की ये है। रही बात हमारी गन्ना बेल्ट है, मिल को चले हुए कम से कम 3 महीना होने जा रहा है, अभी तक इन्होंने कोई भी गन्ने का मूल्य कोई घोषित नहीं किया है, पर्चे पर कोई पढ़ा ही नहीं है। अभी वही जो पुराना रेट था उसी के हिसाब से पेमेंट हो रही है, तो मिल हमारा अच्छा है, टाइम पर समय अनुसार बहुत अच्छा पेमेंट दे रहा है, 14 दिन का सिर्फ रोक के। अब बात करें युवाओं की, हमारे गाँव में हमारे मोहल्ले में हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं, एक हमारा भाई है उसकी अभी तक मेरिट में नंबर आया था, अभी तक उसका वो बेचारा केस लड़ रहा है, उसका अभी तक यूपी पुलिस में काम भी नहीं हुआ, इलाहाबाद तक लड़ रहे हैं वो लोग, उसी की सुनवाई नहीं हो रही है। वो खुद मुख्यमंत्री से मिल लिया, उसके PSM मिल लिया, कोई सुनवाई नहीं है। और बेरोजगारी में आप इधर को घुमाओ, ये इतने बैठे हैं बेरोजगार बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इन्हें अब तक कोई रोजगार नहीं है, खेतीबाड़ी इतनी है नहीं। अग्निवीर योजना में इतने लड़के तैयारी कर रहे थे, हमारे सिर्फ जिले में सिर्फ 11 लड़कों का नाम आया, पूरे 11 लड़के हुए अग्निवीर। अभी देखो इतना बड़ा मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, क्या 11 लड़के ही हैं यहाँ पे, कुल 11 लड़कों का हुआ है तो। और वो भी पता नहीं 4 साल के बाद बेचारे घर आएंगे क्या होगा, अभी तो उनका रिटेन है, अभी जो भी है वो तो डिपार्टमेंट जाने। तो देखो बेरोजगारी में किसान में बहुत पिछड़ा, युवा अरे भाई जो देश की रक्षा करते थे गांव से तो निकलते हैं लोग, गांव से तो निकलते हैं, कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में, कोई नेवी में, सब गाँव से ही निकलते थे। बेरोजगारी पर तो ऐसा ठप्पा मार दिया लोगों ने, कहाँ से करेगा जैसे, उधर कोई गन्ना मूल्य नहीं। आप देखो अभी गन्ने की फसल में भारी प्रकोप है, फंगस का है, कीट का भारी प्रकोप है, उधर तो उधर गन्ने की फसल बर्बाद होगी, उधर गेहूं बोया किसान ने, गेहूं भी फसल बर्बाद होने का कारण है। तो कहीं ना कहीं देखो किसानों में और युवाओं में रोष है, और ये रोष आप देख रहे होंगे, जो 5 सीटें आ रहे हैं सारे 20,000+ से आ रहे हैं लोग, उसको गैप को कैसे पूरा करेंगे? 24 में बहुत मुश्किल है, और ये कुछ लगते हैं प्रोपेगेंडा कुछ करते हैं, अगर झूठ वाली राजनीति ना फैलाएं तो बढ़िया है। एक है धर्म की राजनीति, बहुत गंदी चीज है, देश धर्म पे थोड़े चल जाएगा, या हिंदू मुस्लिम चला दोगे आप झगड़ा करके। अरे भाई युवाओं को रोजगार मिलेगा जब तो आपका देश चलेगा, जब तो कुछ इकोनॉमी बढ़ेगी कुछ होगा। काफी उम्मीदों से सरकार बनाई थी तो है जी, काफी उम्मीदों के साथ, हाँ काफी उम्मीदों से लोगों ने वोट किया, हमने भी किया, फर्स्ट टाइम 2014 में हमने वोट किया है, पर क्या है वो झूठ सच की राजनीति बढ़िया नहीं है, गलत है, खड़ी नहीं उतरी सर, नहीं नहीं बिल्कुल बेकार खत्म, कोई कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इसका तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा भैया। कारण ये हुआ कि भाजपा सरकार ये कहती है कि सबको रोजगार मिलेगा, इन्होंने बहुत बड़ा रोजगार दिया हमें, दिन में तो हम छोल रहे हैं गन्ना, गन्ने की छिलाई कर रहा है, रात को ये बिजार भगा हुआ है खेतों के, तो 24 घंटे में बहुत काम दे रखा है इस सरकार ने। पर्ची पे अब तक हमारे कोई रेट नहीं है, गन्ना मूल्य भी कोई गन्ने का कोई मूल्य तय नहीं करा इन्होंने, न इस पर डालना अब तक।
बहुत समस्या है भाई। समाधान करती है सरकार आवारा गोवंश और गन्ने की समस्या का, तो क्या बीजेपी की तरफ से जाएगा? देखते हैं, जो कुछ हमें कुछ लाभ होगा तो करेगा, ऐसी बात नहीं। कब वोटर रहा है समाज आपका गांव में चुनाव में, तो इस बार नाराजगी रहेगी? नाराजगी है भी, अगर जो हमारे बारे में कुछ सोचा गए तो हम भी इनके बारे में सोचेंगे। दो चुनाव तक सोचा हमने इनके बारे में, वोट भी दी हमने ना। कितनी उम्मीद तो खड़ी उतरी सरकार? कुछ नहीं उतरी, कुछ काम ना, कुछ नहीं हुआ। जाकर देख ले, इधर भी पानी भर रहा, इधर भी भर रहा, इधर भी चला जा, आले मुगु जा, जूते भी देख कैसे हो रहे। ये रोजगार है भाई यहाँ पर, सारे में गारे हो रहे। जो भी मोड है नहीं गाँव की, भैंसी वाले रास्ते पर जाके देख लो, इधर देख लो, कहीं सुविधा नहीं है ऐसी। खटोली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? हाँ, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा भाई। क्या कारण? भाई इसका प्रभाव ये पड़ेगा, ये जो बीजेपी वाले होंगे ये अपनी अंग्रेजों की ढाल अपनी वहाँ चला रखी इन्होंने, किसानों का मजदूरों का कोई ध्यान नहीं है। मतलब भाई नवे लड़के जो नौकरी लायक होंगे उन्हें नौकरी खत्म होगी। मतलब भाई ये आधार कार्ड इन्होंने सब चीज आधार कार्ड से जोड़ रखी, क्या वोट का नहीं जोड़ सकते ये भाई? कि ये सबरे बेईमान होंगे सारे सब। हाँ बेईमान होंगे, पर जब आधार कार्ड तो सारी चीज़ जुड़ रही, बैंक खाता भी सारी, किसान भी सब जुड़ रहे, तो भाई उसे किन जोड़ते हैं कि नहीं? किस तरह की दिक्कत आ रही है आधार कार्ड? यहाँ तो भाई बिजारों की दिक्कत बहुत तगड़ी है जी, टेम पे खाद पे नहीं मिलता, रख गया जब मर्जी आवे इनकी मरवा दे, जब वो छुड़वा दे, टेम पे पानी नहीं आता, यहाँ तो दिक्कत बहुत हैगी भाई। हाँ भाई नाराजगी रहेगी 24 किलो इन्हें भला भाई उन्हें बुलवा। खटोली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? इसका प्रभाव तो अभी जो ये सांड छूटे हुए और ये खेती खा रहे, इसका प्रभाव तो पड़ना है ना, उसी का प्रभाव, उसी के कारण जो है ये अब विधानसभा का चुनाव हारे जी। और किसान की सुनाई ना करने की वजह से ना भाव बढ़ाए ना कुछ, और जो अनदेखी कर रहे उसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ेगा 24 के लोकसभा चुनाव में। अजीब देखो आप, 24 के लोकसभा में भी और उसमें भी अब हंगामे जो होंगे उनमें देखिए उन्हें इस सरकार को जब भारी पड़ेगी बात। अच्छा, अगर आवारा गोवंश की समस्या का समाधान कर देती है सरकार, क्या बीजेपी की तरफ वापस जाएगा? झूठी सरकार है, आज तक नहीं करा, आज तक समाधान नहीं हुआ और ना ही ये करेगी। इसका कोई विश्वास उठ गया, इस सरकार का विश्वास उठ गया, क्योंकि क्योंकि ये झूठे आश्वासन दे, इसलिए किसान को तो तबाह कर दिया। किसान रात को जो है ये बिजार वगैरह जो है ये सब लोगों को मार रहे, जीव फसलें बर्बाद कर दी, और अगर ये इन पे कोई थोड़ा बहुत वो मारपीट करे तो उनको जीव अत्याचार, और इंसान का जो अत्याचार हो रहा है वो भी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। जगह जगह जो है मार धाड़ हो रही, और इन्होंने जो है लोगों को घायल कर दिए, कुछ लोग मर भी गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं। खटोली का चुनाव हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? प्रभाव तो तुम देख ही रहे जी, पूरे जिले में जितने विधायक जब यही रह रहे सब लोकदल वाले गठबंधन वाले, तो कोई राय नहीं यहाँ से, एक है वो ही मंत्री बना रखा उन्होंने, और सरकार का जो रवैया है उसका जितना भी इनका तमस्सा था खुला खेल वो सामने आ गया। किसान को भका लें 5-7-10 साल भका गया, अपना कब्जे में कर लिया, हर सरकार का काम है। कोई सरकार ने आज तक कोई अच्छी किसान नीति नहीं बनाई किसी के लिए। अगर सरकार चाहे अच्छी किसान नीति बनावे और किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम, जैसे उन्होंने कहा था भाई दो गुना आए तो मेरे ख्याल से बड़ी नहीं, पर 3 गुना खर्चे तो किसान के बढ़ाई दिए। और तीसरी बात यह है, ये चलो बिजार का तो ऐसा काम है, पशु हैं इन्होंने, इनका तो इलाज अब तक कराया नहीं। पिछले 2014 से जब से आए थे केंद्र में आए थे, जब से उन्होंने कहते हम इनका कोई ना कोई संशोधन करेंगे, गौरक्षा समिति बनाओगे, वही ना तो गौरक्षा समिति काम करती,
न वे गौशाला काम करती, न प्रशासन न शासन स्तर से इस बारे में कोई कार्रवाई की जाती। और सच्ची बुझ जाए जी, सबसे अधिक दुर्गति गाय की जो गौवंश की हुई है वो केवल इसी सरकार में हुई है। आज मेरे यहाँ जाके देखो, मेरे गांव में ऐसी ऐसी गायें बेचारी जो सड़ रही हैं, उनकी तरफ चिकित्सा कोई ध्यान इनका नहीं है। दूसरी बात, जो सरकार है जिस मुद्दे पे लेके चल रही थी, मंदिर के मस्जिद के, इन मुद्दे से हमारे युवाओं का, हमारे किसानों का, हमारे कामगारों का कोई भला नहीं होने वाला। भला होगा वो होगा काम से अपने। अगर हमारे काम सही चलेंगे, हमें करने खाने दिया जाएगा, आमदनी बढ़ेगी, तो ये जो है बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन उन्होंने रोजगार का कोई अवसर युवा पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ा, इसका सीधा का सीधा प्रभाव आपने खतौली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जरूर इन्हें झेलना पड़ेगा, चूंकि इनके हाथ से गुजरात भी अद्धा फिसल चुका है, हिमाचल फिसल चुका है, पंजाब फिसल चुका है, साउथ में ये कहीं है नहीं, कर्नाटक को छोड़ के। अब इनकी जमीन सड़क रही है, इन्हें इस बार जो परिवर्तन होगा 2024 का, इनके मुंह पे, सरकार के मुंह पे किसान तमाचा देने का काम करेगा। जिस तरह बेवकूफ़ इसको बनाया गया है, किसान को बेवकूफ़ बनाया गया है सरकार ने, मंदिर मस्जिद के मुद्दे में और जाके इससे काम नहीं चलेगा। आज कहते हैं हमने हाईवे दे दिए, हमने ये दे दिया। अरे भाई हाईवे देंगे, अरे देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए, आज तक तुम हाईवे नहीं दे सकते। कितना कितना खर्च हिंदुस्तान के अंदर चिकित्सा व शिक्षा के ऊपर होता है हर देश का। किसी भी देश में आप जाओ, छोटी छोटी कंट्री में आप जाओ एशिया की, वहाँ का जो है 40% 50% वहाँ की आमदनी चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर दी जाती है। हमारे यहाँ चिकित्सा और शिक्षा से महंगा कुछ है ही नहीं। और इस बार बुनियादी जरूरत चिकित्सा और शिक्षा की है। चिकित्सा और शिक्षा जब तक यहाँ पर नहीं होगी, जब तक साक्षरता कैसे आएगी? जब यहाँ नए नए अनुसंधान होंगे, नई नई शिक्षण संस्थाएं होंगी। अरे इन्होंने तो जो पुरानी शिक्षण संस्थाएं थी, जिनसे लोग पढ़कर आज की तारीख में आईएएस पीसीएस बनते आए थे, वे शिक्षण संस्थाएं खत्म कर दी इन्होंने। शिक्षा के तो नाम पे कुछ छोटा ही नहीं। जब से कोरोना काल आया था आज तक के, इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा करके जो खर्चे थे स्कूलों के, वे तो थे ही थे। और 500-700 रुपये महीना जो है एक एक बच्चे का खर्चा बढ़ा दिया उन्होंने। अगर रिचार्ज कराओ उनका, ऑनलाइन चलेगी पढ़ाई? वे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं या दूसरे दुरुपयोग की चीज़ें देख रहे हैं फ़ोन के अंदर भी? कितने बच्चे बिगड़ रहे हैं, कितने युवा भटक रहे हैं। और इस जो इन्होंने एक योजना लाए थे कि भाई 4G डाटा होगा, फलाना होगा, इस डाटा के चक्कर में, इस 1.5 GB डाटा के चक्कर में इस देश का नौजवान अपने आप को बेरोजगार नहीं समझ रहा, उड़ जाकर रख दिया सारा दिन उस 1.5 GB डाटा में रखता है। सच्चाई है यार। और आँख खुलनी चालू होगी, इन्हें सरकार को मानना पड़ेगा, किसान का वाजिब दाम देना पड़ेगा, उसकी फसल की आय दोगुनी करके दिखानी पड़ेगी। इन्हें वो फार्मूला, इन्हें जो इनका जो प्रोपगंडा है वो हमें बना के दिखावे कि भाई हाँ हमने इतनी आय थी, इतनी आपकी कर दी। किसान तो हिसाब जोड़ता जोड़ता मर गया, आम आदमी मर गया हिसाब जोड़ता जोड़ता, उस पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, अच्छा, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बहुत ज्यादा। क्या कारण मानते हैं? गन्ने के भाव का है, बिजारों का है, बहुत चीज है भाई, पेमिट का भी है, लोग मतलब हमारी मिल का हो रहा, और मिलों का नहीं हो रहा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो नाराजगी रहेगी 24 के चुनाव भाई? जब गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा, और जी क्या नाम है, बिजार है ये खैरे, और भाई मतलब बहुत चीज है, मतलब दिक्कत है बहुत है लोगों को। जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी के नाम पे वोट की जाएगी? प्रत्याशी की नहीं, पार्टी की दी जाएगी। मतलब देखो, जब भाव नहीं बढ़ा रहे, और भाई तरह क्या नाम इसका जो बिजारों का इलाज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब लोगों को परेशान, किसानों के ड्राई पे पैसे बढ़ गए, सब पैसे बढ़ गए, मजदूरी पैसे बढ़ गए, किसानों को बड़े पैसे कहीं। अगर आवारा गोवंश की समस्या का समाधान हो जाता है, गन्ने की समस्या का भाव, बस फिर सोचेंगे बीजेपी की तरफ जाएंगे? नहीं भाई, अगर मान लिया कुछ सोचें किसानों के बारे में, 2-3 समस्याएं के बाद सोचें, फिर सोचेंगे, हम भी सोचेंगे फिर। अच्छा, 2 बार से लगातार बीजेपी सत्ता में है, आधार वोटर भाई भगा कर ले ली सत्ता में, भगा दिए लोग, बाग भगाए में आए थे लोग, भगा लिए अपना, दे दिए वोट लोगों ने। तो 10 साल का किस तरह का कार्यकाल देखते हैं बीजेपी का? नहीं, कार्यकाल जब किसान के प्रति तो कुछ बढ़िया ही नहीं भाई, भाव इनका नहीं बढ़ रहा, पेमेंट नहीं मिल रहा, और फैक्ट्री में कहा 14 दिन पेमेंट मिल जाएगा, जब 1-2 का मिल रहा, और कदम नहीं मिल रहा किसी का, और भाई क्या नाम खाद डाई पैसे बढ़ रहे, सब कुछ बढ़ रहे, बताओ किसान बारे में क्या सोचा? बिजारिया वाला बढ़ते जा रहे,
इससे नाराज रही, वो सब जगह पर पड़ा। संजीव बालियान तीसरी बार मैदान में नहीं, संजीव बालियान तो अलग चीज है, संजीव बालियान ठीक आदमी ठीक है, पर क्या करें, सरकार खराब है, संजीव बालियान खराब नहीं है, पार्टी खराब है जी। इसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं आप जी? हम तो एक लोकदलीय आदमी है जी, बस लोकदल को ही सपोर्ट करेंगे। उपचुनाव में क्या कारण बीजेपी की हार का मानते हैं आप? वो आगे देखेंगे जी, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है जी। जैसे समस्या है लगातार भाई, बेचारों की समस्या है जी, और तो कोई समस्या है नहीं। सरकार को किस तरह देखते हैं? 10 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है, सरकार भाजपा की कोई अच्छी नहीं थी। किन नीतियों से नाखुश क्या? किन नीति या योजनाओं से नाराज हैं? हम तो नाराज ही है, विचार है जी, खेतों में नुकसान हो रहा है, इनके से परेशान है बहुत ज़्यादा। नाराजी हाँ, बीजेपी नहीं, बीजेपी के हम खिलाफ है, हम लोग दलीय जी। फिर बाढ़ को कोई नौकरी नहीं है, हिलने नहीं किसी का भी, सब बेरोजगार फिर रहे। अच्छा जी, गांडे पर कोई पैसा नहीं बढ़ा आज तक, 50 रुपये पता नहीं किस तरह बढ़ गए थे, किसी चुनाव आ गया था वे बढ़ा दिए थे, वे अब जज कर ही नहीं कुछ। हर बार रही बात, नुकाले गुंडागर्दी नहीं होती, मेरे गाँव का सुनवार का बेचारा गरीब आदमी 1 लाख रुपये की चीज़ हाथ में तो खोस ले गए, और 50 मीटर पर बैठे थे पुलिस वाले भी, 4-5 पुलिस वाले वहाँ भी थे, और सारा बाजार भर रहा था, किसी ने भी नहीं कुछ कहा, और खोज कर लेगा हाथ में दे। बताओ, अब तक खुलासा नहीं हुआ, कुछ भी खुलासा नहीं होया, परसों की बात है, गरीब आदमी अनुगारे, यह तानाशाही राज चल रहा है इसमें भी। तो कानून व्यवस्था कुछ चुनौती है भाई, कानून व्यवस्था होती है, हम लोग का कुछ तो होता ही, बताओ कुछ तो पता लगता। टीवी में भी आ रहा है, सीसीटीवी कैमरों में भी है, वीडियो भी है उसकी, पर कुछ भी नहीं होया। गरीब है ना, गरीब मार होगी, और तो भाई सब ऐसे ही धंधे हो रहे, और भाई गंडे पैसा नहीं बढ़ा, पेट्रोल पर बढ़ा दिया, डीजल पर बढ़ा दिया, एक किसान ही ऐसा जिसका कोई बात है नहीं होता, मूंगफली बड़ा बेच रहा अपने हिसाब से बेच रहा, 120 रुपये 140 रुपये किलो बेच रहा गंडे वाला, ये दूसरे के हाथ में किसान कर लो बात है, कौन करेगा भाई, इसका भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। एमएसपी की बात थी अभी तक लागू नहीं की। अरे भाई कुछ भी नहीं, कौन कर देगा, एक तो छोटा दाना, ये बहुत बड़े दाने हैं, खा जाएंगे सब धंधे को, बड़े मगर मच्छ है भला भाई। और भाई हम तो देखे लोक दल की साथ है, और सारे जीवन लोक दल की साथ ही रहेंगे, तो तानाशाही राज है इनका भी। मैं सोचा था भाजपा की बढ़िया काम करेगी, हमने दी भाजपा को वोट दी, हमने भी 2013 में दी थी, पर इन्होंने मोह लिया, वो आ गौरव सचिन उसका बुना रहे अब भी, 10 साल का जिक्र हो, हाँ 10 साल 10-12 साल हो लिए अब भी, अब कवाल के बवाल का जिक्र हो, अरे उन्हें तो भूल जाओ, और जब इतना फिक्र कर रहे हैं उनकी कुछ मदद करो, मदद भी तो नहीं करते, उनकी भी कोई मदद नहीं करी, हम तो जब मानने जो उनकी मदद करें, माँ बाप बूढ़े हैं उनके, उनकी देखभाल उनके खतर कुछ वो करो सुविधा, तो बहुत बात है भाई कहने की, तो बैठे अपना पियो सब। तो 24 में नाराजगी भाई, 24 में अगर ऐसा ही रहा तो बिल्कुल, जो हम तो भाजपा के खिलाफ थे नहीं, और जो ऐसा ही राज रहा नहीं जैसा चल रहा, तो और को भी खींचेंगे लोकदल की तरफ को, या उसकी सपा की तरफ को, जिस तरफ भी हमारे भाई जाएंगे, बड़े भाई चाचाताऊ जाएंगे, हम भी उस तरफ को खींचेंगे पैर। अच्छा, अगर संजीव बालियान आते हैं बीजेपी की तरफ से? भाई संजीव बालियान आदमी बढ़िया है, बढ़िया आदमी है, लेकिन कुछ हासिल तो नहीं हो रहा हमें बताओ, हमें क्या हासिल हो रहा? तो पिछले चुनाव में देखने में मिला कि जैसे पार्टी के नाम पे वोट दी गई, इस बार नाराजगी पार्टी से रहेगी? भाई पार्टी से नाराजगी नहीं रहेगी, हमें तो काम से नाराजगी रहेगी, तब न बताओ, हमें तो विकास चाह, अपना भाव चाह, बच्चों की नौकरी लगा, ज़्यादा की लगे, थोड़ों की तो लगे तो किस्त, अब ये उंगा तिंगा फिरेंगे, अब खर्चे इतने हो रहे, घर से खर्चा नहीं मिलेंगे, नई लूट खसोट करते फिरेंगे, ये भी क्या लगा आदमी। चुनाव हुआ है हाँ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, हाँ पड़ेगा भाई, सरकार कुछ सोचते नहीं किसान के बारे में, बच्चे निकल जाए, सब नौकरी प्राइवेट में जा ली, महंगाई देख कहाँ जा ली,
तो सारी चीज सोच कर हो जी, तो इस पर तो कोई ध्यान दे नहीं सरकार। अगर सरकार समस्या का समाधान कर देती है आवारा पशु और गन्ने की बता रहे आप, और गन्ने की समय सही दे रेट नहीं बढ़े भाई, तो कुछ ना कुछ सोचा किसान भी फिर सोचे क्या, और फिर तो बस सोचना पड़ा ही है नहीं किसान भी। जैसे उपचुनाव हुआ है इसमें क्या कारण मानते हैं आप बीजेपी की हार का? तो कारण यही है भाई, किसान तो सब खिलाफ है, सभी आम जनता के खिलाफ है, परेशान है सब, नाराजगी रहेगी 24 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल। अगर बीजेपी संजीव बालियान को मैदान में उतारती है तीसरी बार तो कितना समर्थन मिलेगा सर समाज को? ये तो लोक दल के ऐसे लोक दल बजाएंगे सब, इसे क्या समर्थन मिलेगा? लोक दल सोंटा जैसे खतौली का चुनाव हुआ है इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा भाई? ये तो आप खतौली सीट से अंदाजा लगा सको कितना पड़ेगा जी, क्या कारण है क्यों पड़ेगा? कारण तो बहुत है, जैसे कि एक तो आवारा पशु, लोग खेतों में रखवाड़ रख रहे रात को, वहाँ जाग गए दिन में खेतों में इसका बड़े काम करे। राहुल आ जा पूरा वो चल रहा तो नुकसान होगा 24 के, काफ़ी नुकसान होगा। अच्छा जैसे उपचुनाव हुआ है इसमें क्या कारण मानते हैं, ये आवारा पशु मानते हैं? आवारा पशु भी है, फिर सरकार किसी काम पर कोई ध्यान नहीं, युवाओं का कोई रोजगार नहीं रहा। अगर सरकार समस्या का समाधान नहीं करती है तो 24 में काफ़ी नुकसान होगा। जैसे आवारा पशु बता रहे हैं आप, अगर इस समस्या का समाधान 24 से पहले हो जाता है फिर युवाओं का नहीं है रोजगार, क्या है युवाओं के लिए, कितने युवा नहीं भटक रहे, बहुत परेशान होंगे, तो नुकसान रहेगा 24 में काफ़ी नुकसान रहेगा। ये तो देख लो मुजफ्फरनगर में 5 सीट तो हो ही गई, एक रह रही है, अगर उस पर भी उपचुनाव हो जी तो भी उसी के खाते में चली जाएगी जयंत चौधरी साहब का, जयंत चौधरी की जयंत के साथ जाएगा। हाँ राष्ट्रीय लोकदल अखिलेश यादव तीसरी बार चुनाव मैदान में आते हैं, कौन संजीव बालियान बीजेपी से किस तरह का समर्थन मिलेगा उन्हें? बढ़िया समर्थन, बहुत आगे पता लगेगा इस बात का। बालियान ही तो बढ़िया है। अपने आसपास के न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, साथ ही इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।